सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज की सेक्शन में हम लोग कवर करने वाले हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है और विभाजन सूत्र पे किस प्रकार से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए आते अपने टॉपिक्स पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, विभाजन का जो सूत्र होता है, एक्स वाई इक्वल टू होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू कामा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू। ठीक है, ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि यदि बिंदु ए सिक्स वन बी एट टू सी नाइन फोर डी पी थ्री एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चलिए डायग्राम बनाते हैं। करा कि समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज एक बनाते हैं, छोटा सा समांतर चतुर्भुज, और इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं ए बी सी और डी। बिंदु ए का निर्देशांक देखिए दिया कितना, सिक्स वन, तो यहाँ पर इसका निर्देशांक जो भी दिया वो लिख लेते हैं। बी का दिया एट टू, तो ए हो जाएगा एट और टू। बिंदु सी का निर्देशांक दिया नाइन और फोर, तो ए हो जाएगा नाइन फोर। एंड डी का दिया पी थ्री, तो यहाँ पर पी और थ्री लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो इसके विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, जो विकर्ण होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक कह सकते हैं कि यहाँ से ए सी इक्वल टू होगा बी डी के, ये दोनों विकर्ण आपस में इक्वल हैं। तो एक छोटा सा फार्मूला होता है इसके लिए कि इन दोनों बिंदुओं के लिए, इसके लिए हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू कमा वाई वन प्लस वाई टू अपान टू। ये इसके लिए ए सी के लिए हो गया, क्योंकि ए सी के लिए देखिए यदि ए और सी लेकर चले तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू होगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे बी डी के लिए लेकर चला जाए तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू कमा वाई वन प्लस वाई टू वाई टू। अब यहाँ पे मान रखते हैं, सबसे पहले ए सी के लिए लेकर चलते हैं और इसका मान पुट करते हैं। तो ए सी के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं ए है एक्स वन ए वाई वन और इसको मानते हैं एक्स टू और इसको मानते हैं वाई टू। अब यही वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन का मान सिक्स और एक्स टू का मान नाइन, तो हो जाएगा सिक्स प्लस नाइन बाई टू का मान वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन का मान वन और वाई टू का मान फोर, तो हो जाएगा वन प्लस फोर बाई टू इक्वल टू। अब देखिए बी डी के लिए एक्स वन, अब इसको मानते हैं ए एक्स वन है ए वाई वन है और ए एक्स टू है और ए वाई टू है। अब ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू मतलब एट प्लस पी, तो हो जाएगा एट प्लस पी बाई टू कामा वाई वन प्लस वाई टू, अब इसके लिए वाई वन हो जाएगा टू और वाई टू कितना हो जाएगा थ्री, तो हो जाएगा टू प्लस थ्री बाई टू। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि हमको P का मान फाइंड करना है, तो P का मान फाइंड करने के लिए देखिए मतलब यहाँ से X और यहाँ से X1 और Y1 को कंपैरिजन करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस नाइन बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस पी बाई टू। अब यहाँ से क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए छः दूना बारह, तो हो जाएगा बारह प्लस नौ दूना अट्ठारह इक्वल टू हो जाएगा आठ दूना सोलह प्लस टू पी। अब यहाँ से इम्प्लाइज डेट सबको मतलब जो सेम है उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 18 और 12 कितना होगा, तो 18 और 12 कितना होगा 30, तो ये हो जाएगा 30 और 16 को इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा 16 इक्वल टू हो जाएगा टू पी। अब यहाँ से घटाइएगा तो घटाएंगे कितना होगा, 30 में से 16 घटाएंगे 10 में से 4 या 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना बचेगा एक, क्योंकि दो में से एक जा एक, 14 इक्वल टू हो जाएगा 2p, इसलिए p इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो बहुत आसानी तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया कि यदि ए बी सी डी बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो यहाँ से हम पी का मान फाइंड कर सकते हैं। दोनों को जो इसके दोनों विकर्ण होंगे आपस में इक्वल कर देंगे और ए सी इक्वल टू बी डी करके यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड का स्टडी करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में पूछा जा रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु -1 से 1 और
फोर माइनस थ्री को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंध तीन के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए उस बिंदु के निर्देशांक फाइंड करना है, तो यहाँ पर बिंदु ए का निर्देशांक हमने मान लिया कितना है, माइनस वन और सेवन क्वेश्चन में दिया है, एंड बिंदु बी का निर्देशांक हम मानते कितना दिया है, चार और माइनस थ्री दिया है। और यहाँ पे ये भी दिया है एम वन संबंध एम टू का जो मान दिया है वो दो संबंध थ्री दिया है, इम्प्लाइज डेट यहाँ से एम वन इक्वल टू हो जाएगा टू एंड एम टू इक्वल टू हो जाएगा थ्री। यहाँ से हमको फाइंड क्या करना है, एक्स वाई का निर्देशांक का मान पूछ रहा है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं एक्स एंड वाई का जो निर्देशांक का फार्मूला होता है वो होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू, कॉमा ऐसे वाई के लिए होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू। अब इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और बहुत इजीली तरीके से हम लोग एक्स और वाई का निर्देशांक फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले एक्स के लिए फाइंड करते हैं फिर वाई का मान फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एम वन और एक्स टू, तो देखिए एम वन का मान दिया है दो और एम टू का मान तीन, तो ये हो जाएगा दो गुणे एक्स टू का मान, अब देखिए इसको मानते हैं एक्स वन वाई वन ए एक्स टू और ए वाई टू, एम वन एक्स टू का मान देखिए एक्स टू का मान दिया फोर, तो दो गुणे चार हो जाएगा प्लस एम टू का मान देखिए दिया तीन, ये तीन गुणे एक्स वन का मान क्वेश्चन में दिया है कितना, एक्स वन का मान दिया है माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपान एम वन प्लस एम टू, तो एम वन का मान दिया आपके पास दो प्लस एम टू का मान थ्री दिया है। तो यहाँ से एक्स का मान फाइंड करते हैं, तो एक्स इक्वल टू चार दूना आठ हो जाएगा, तीन एकम तीन माइनस तीन अपान तीन प्लस दो कितना होगा फाइव हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइव अपान फाइव, तो एक्स का मान हमने फाइंड कर लिया वन। ऐसे ही हम वाई का मान फाइंड करते हैं, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वाई का देखिए फार्मूला यहाँ पर लिखा गया वाई के लिए, तो एम वन का मान है दो, दो गुणे वाई टू, देखिए वाई टू का मान है माइनस तीन, तो हो जाएगा माइनस तीन प्लस एम टू वाई वन, एम टू का मान है थ्री प्लस वाई वन का मान कितना है, वाई वन का मान है सेवन, वैल्यू पुट करते हैं अपान एम वन प्लस एम टू, तो एम वन का मान दिया दो प्लस एम टू का मान तीन, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से तीन दूना छः माइनस छः प्लस सात त्रिका इक्कीस अपान हो जाएगा फाइव, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इक्कीस में से छः घटाएंगे कितना होगा पंद्रह, कितना होगा पंद्रह, तो ये हो जाएगा पंद्रह अपान पाँच, पांतियाँ पंद्रह, तो y का मान आ गया थ्री। तो यहाँ से हमने इजीली तरीके से फाइंड कर लिया कि बिंदु x और y का जो निर्देशांक आया है वो आया कितना वन और थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।